आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Created with free version for non-commercial use. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको स्किन वाइटनिंग फेशियल घर पर बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आप आसानी इस स्किन वाइटनिंग फेशियल को अपने घर पर बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फेशियल को बनाकर इस्तेमाल करने से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में वाजह फर्क, ना सिर्फ वाजह फर्क दिखाई देगा यानी आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। इसके अलावा भी इस फेशियल के और बहुत से फायदे हैं, जैसे ये आपके चेहरे को मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स वगैरह से बचा कर रखेगा जो चेहरे पर नुकसान पहुंचाते हैं, यानी जिनकी वजह से एक्नी पिंपल्स वगैरह का भी सामना होता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारी स्किन ऑयली हो और उस पर गर्द वगैरह जमे तो इसकी वजह से एक्नी पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस टोटके को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इस फेशियल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ ये कि आपका चेहरा जो है उसकी रंगत को ये निखारेगा, बल्कि इसके अलावा ये बकायदा खास तौर पर आपके चेहरे से, अगर आपका चेहरा ऑयली है तो आपके चेहरे का ऑयलीपन खत्म करेगा और एक्नी पिंपल्स वगैरह से भी आपको महफूज रखेगा। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो रिंकल्स का प्रॉब्लम है। मुस्लिम लोगों को रिंकल्स का सामना करना पड़ रहा है, तो इस टोटके को इस्तेमाल करते हुए उन्हें रिंकल्स से भी निजात मिलेगी। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं इस टोटके में अज़ा कौन से यूज होंगे। इसमें दो अज़ा यूज होंगे, लेमन एंड योगर्ट। योगर्ट हम तकरीबन हम 1 टेबल स्पून योगर्ट लेंगे, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। मैं आपको बनाने के लिए बनाकर दिखाने के लिए कम ले रहा हूँ। 1 टेबल स्पून योगर्ट लिया हमने, और इस तरह हम जी देखे नाज़रीन, हमने लेमन इसमें निचोड़ दिया है। 1 टेबल स्पून योगर्ट में हम 1 लेमन का रस हमने निचोड़ा है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्किन वाइटनिंग फेशियल बिल्कुल रेडी है, इसे हम घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बना ये बिल्कुल देखे नाज़रीन बन गया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसे बनाना है। 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून आप योगर्ट ले लें, यानी 1 या 2 चम्मच आप दही लें, और 1 या 2 चम्मच दही लेने में लेकर उनमें हम 1 लेमू का रस निचोड़ दें। 1 लेमू का रस निचोड़ कर अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर दें और उसे अपने चेहरे पर 15 मिनट लगा रहने दें। जब 15 मिनट गुजर जाए उसके बाद आप अपने चेहरे को ताजे पानी से धो सकते हैं। बिल फ्रेश वाटर से अपने चेहरे को धो लें, अच्छे तरीके से चेहरा धोएं। आपको पहले ही दिन वाजिया फर्क दिखाई देगा, आप पहले ही दिन आईने में अपना फर्क वाजिया फर्क देख सकते हैं। आप फर्क देखकर हैरान रह जाएंगे और आप खुद कहेंगे कि वाकई फर्क पड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्किन वाइटनिंग फेशियल को आप से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो तो इस स्किन वाइटनिंग फेशियल को आप घर पर बनाकर आप कुछ अर्सा इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, यानी आप इसे हफ्ते में 2 दफा 3 दफा इस्तेमाल करने की अपनी आदत बना लें। बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, इसके किसी भी किस्म के कोई नुकसानात नहीं है। इसे जरूर आजमाइएगा, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मुझे इजाजत दीजिए, इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। शुक्रिया।
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ